बरेनु में तो दे दी है बोलम बरेनु। संसारी दी गल्ला चिन्ने ना बुझे शब्द जोगेरेनु। संसारी दी गल्ला चिन्ने ना बुझे शब्द जोगेरेनु। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। मत दे दी है बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे नु। श्वेत छतर सिर मुकट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए नज डेरे नु। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए नज डेरे नु। मत दे दी बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दासिये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु। गरीब दासिये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु। तो दे दी है बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दासिये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु। गरीब दासिये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु। मैं तो दे दी है बालम बैरे। इस आत्मा अब रो रही है, परमात्मा से पुकार कर रही है कि मेरे को तो इस काल ने काल रूपी इस मन के साथ बांध दी, इसके साथ मेरा मेल कर दिया। इस काल ने अपना एजेंट छोड़ रखा मन, आत्मा के साथ ये नकली मालिक बन गया इसका। और हम मन की और आत्मा की खुराक अलग अलग। आत्मा की खुराक परमात्मा की भक्ति, धर्म पूर्ण करना, विनम्र रहना। और मन की वृत्ति बकवाद करना, बेमतलब अहंकार बनाना, रगाने सुनना, मांस खाना, शराब पीना, ताश खेलना और बकवाद, राजनीति में गप्पे मारना। अब और भक्ति करनी तो उल्टी करनी, अच्छी भक्ति नहीं करने का। अब जैसे कोई साधना कर रहा है, कोई सोमवार का व्रत रखा है और उसने कोई नो कह देना शनिवार का व्रत बहुत लाभ देता, वो शनिवार का भी शुरू कर देगा। और उसको कोई नौका दे वह ना मनसा देवी पर, और वहाँ एक धागा बांध जाओ ना सारी मनोकामना पूर्ण, वहाँ भी भाग लेगा। और कोई इसने नौका ना कहा जा सतलोक आश्रम बरवाला में नौको ना, वहाँ के दरिया है और वहाँ तो दरका रहा था मनसा देवी पर, बड़ा मर 2500 आदमी मर गए पाछे उसके ऊपर है भगदड़ माच के। और किता जकर कोई ना हरियाण की तो कुत्ते की टांग टूट जाना, आते जाते नौको सोचो में गए थे उनके कुत्ते की टांग टूट गई, उसने भी चर्चा का विषय बना देंगे विघ्न तैर दे। एक व्यक्ति किसी को न्यू कहना कहा जा सत्संग में चल लेंगे, हमारे वहाँ सत्संग बहुत अच्छा होता है और सारी व्यवस्था बिछे बिछाए गदर ले
हैं ऐसी रजाई में, बिल्कुल ताजी रजाई, ऐसी सर्दी में देसी घी का खान पान सारा फ्री हैं, और चल वहाँ चलेंगे सत्संग सुनेंगे, इन को ना टाइम कोई ना। एक भगत बताओ था कैसे, मैं एक अपने मित्र गांव खाता, उसने कहूँ था कहा वहाँ सत्संग में चलेंगे, तीन दिन का सत्संग हो, बोला उन्होंने टाइम कोई ना। इतने में एक व्यक्ति दूसरे ते ही बतावा था ना, वहाँ कंपटीशन आ रहा दूसरे गांव में, कंपटीशन होया करो वहाँ, ये गाय कोहर अग्नि गाणी हरियाणी के, पांच छह पार्टी आ जाया करो, वो उस तो बढ़ कर, वो उस तो बढ़ कर सुरीली आवाज से गाने गाते इकट्ठे, फिर उनको इनाम दिया जाता, उसमें कंपटीशन बोला। तो वो किसी और ने बतावा था, और जिसको उसने भगत ने कहा था चाल सत्संग में, उस तो नाइट गया, उसने आप तो जाकर पूछा अरे किता रहा कंपटीशन कहाँ रहा है, अब वहाँ फलाने गांव में 5 किलोमीटर दूर वहाँ जा पहुँचा, रात तो रात, रात का था, फद्दड़ फद्दड़ 5 किलोमीटर साइकिल पर गया पैदल मर रहा, और वहाँ बैठे जाकर जाकर देवी ना बैठे ऐसे रेत के अंदर उड़े मूतें बालक, और वहाँ सारी रात दांदरे काट के ऐसी बकवाद सुनकर खुश होकर गया, और न्यू कह देख चाल सत्संग में ना टाइम को ना कन्ना पे गटाल जा। आत्मा रो रही है कि इस मन ने यदि कोई अच्छी साधना पर लगाने की बात करता है तो यूँ सुनता नहीं बहरा हो जाए, और उल्टी साधना इसने बता दे खुश होकर करता है, पेट पलनिए चलते देखे न्यू, ये खट्टू श्याम जी पर जावा या कोई और जाते, हम भी जाते थे साला सर, तो वहाँ देखे नो लेट लेट के कौन ही फूट जा बेचारे की, और उनको इबनो कह देने कहा जा वहाँ सत्संग में, इन्हों का ना उड़ा के दरिया है वहाँ क्या रखा है, उसके लिए बता रहे हैं अब आत्मा रो रही है कि मैं तो दे दी बालम बहरे नू, इस मन रूपी पति के इस बहरे के साथ मेरा मेल कर दिया, संसारी दी गल्लां चिन्ह ना बूझा सब जो गहरे न, आम आदमी कोई बता दे वह साधना शुरू कर दे, और इस यथार्थ ज्ञान को प्रमाण के सहित बताया जाता कि तीसने ना माने, और मर्दों से ती प्रीत लगावे, जैसे कोई को बाबा जी मर गया गांव में 100 साल पहले, ऊड़ा माथा टेकन जाएंगे हमारा समाधि की पूजा है, और जिंदे संत ना पूछे आगे पूछते, अब जैसे कोई वैद्य था और बहुत अच्छा वैद्य था, नब्ज पकड़ के दवाई देता था स्वस्थ कर देता था, अब वो मर गया, मृत्यु होगी उसकी यादगार बना दी, एक प्रतिमा बना दी, अब कोई उस मर्द के पास वैद्य के पास मत्था टेक कर जाकर मन ठीक कर दे स्वस्थ कर दे, अब नहीं कर सकता, वह मूर्ति कुछ नहीं कर सकती, ऐसा ही वैद्य खोजना पड़ेगा कहाँ मिले, फिर वो नब्ज देख के वो दवाई दे तब रोग कटे, तो ऐसे ही संत ढूंढने पड़ेंगे, उन वो संत बताएंगे, नो कहे उन संतों की तो मानते नहीं, मुर्दों से ती प्रीत लगावे नहीं जाने सतगुरु मेरे नू, कि उस संत को नहीं समझता जो हर तरह से हर महरम से परिचित है, जो तत्वदर्शी है यानी पूरा खोजी है उसका, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे और देखत ना उस चेहरे नु, सब ने निराकार निराकार पर गाटा जोड़ रखे है, विष्णु जी की पूजा करे मूर्ति बना रहे, और कोई नो कह कैसे भक्ति करता, ध्यान मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, भगवान कैसा है वो तो निराकार है, फिर विष्णु जी की किस लिए पूजा करता जब भगवान विष्णु भगवान नहीं है, ऐसी बालका वाली छुरी थी हमारी बिना ज्ञान के। कहते हैं श्वेत छतर उस परम पिता के ऊपर छतर है, जैसे इस दास के ऊपर इन भक्तान बना रखे, अब ये तो अपना आर्टिफिशियल है, तो कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के सिर पर श्वेत छतर और शेर मुकुट, सिर पे मुकुट है, और देखत ना उस चेहरे में, साकार है वो परमात्मा सतलोक के अंदर, ये निराकार निराकार बताने में कह कह का पता नहीं, इनका कोई अनुभव नहीं है, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल रहे नज डेरे, यानी कितना, क्योंकि गरीबदास साहिब जी किसान थे,
और किसान लोग उनके आसपास आ जाया करते थे, उनको उसी ढंग से यानी आम व्यक्ति को ही उन्होंने ज्ञान दिया है, लेकिन उस समय जब ये बैठे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भी उसी तरीके से समझाने की चेष्टा की है जिससे वो समझ सकते हैं कि भी तुम ऊंची थलियां पर जाना, पानी की व्यवस्था, वर्षा हो जा तो बीज डाला जा सकता है, अगर वर्षा ना हुई तो बीज भी खराब उसमें डाला हुआ ऊंचे थलों पर। और एक डहर होती है, समतल जमीन होती थी, पहले साधन वर्षा का ही होता था सिंचाई का, तो वर्षा थलियों पर वर्षा हुई भी उस डहर में आके जल रुकता था, और जिसमें ज़्यादा जल वर्षा का रुक जाता था उसमें ज़्यादा उपज होती थी, और वो डहर उपजाऊ जमीन होती थी। थलियों पर तब माने एक मण भी ना हो एक एकड़ में, वह तो एक दो मण हो जाए जब वर्षा ठीक होती रहे तो, और डहर में हो जाए 40 मण 50 मण एक एकड़ में। तो कहते हैं तुम ऊंची थलियां यानी आन उपासना, अन्य देवताओं की जो पूजा है वो ऊंची थली है, और सतपुरुष परमात्मा की पूजा वो डहर है, उपजाऊ स्थान है, उसको तुम भूल गए जो घना धन दे यानी जिससे आपको अधिक लाभ हो। ऊंची थलियां खेती वो है ये भूल गए निज डहरे नु, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। जैसे कोई व्यक्ति कोर्ट में मिल रहा है, किसी मित्र अपना कोई रिश्तेदार मिल जाता है कचहरियों में, और दोनों आत्मा हाथ मिला कर और ठीक है रिश्तेदार हका मौज हो रही है, अरे कोर्ट में मौज का के मेड़ महादुखी व्यक्ति जा रहा है कोर्ट में घिग्गी बंदी रहा, कदे आज गवाह जा आज वो फलाना ना आवर कदे न्यू हो जा, और वहां भी नौ का मौज हो रही है। कहते तुम कहन तक सीमित हो मौज की, अरे मौज नाम की चीज नहीं, आपकी तो ऐसी स्थिति है। कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुए बांग पड़ी। जैसे किसी ने एक मण भांग घोट कर कुएं में डाल दियो, और उस कुएं के जलने से 200 आदमी पी ले, पीते ही उनकी एक जैसी शक्ल एक्टिंग है, ऐसे लड़खड़ा कर चलना और एंड मेंड बोलना। कहते इस काल ने इस त्रिगुणमयी माया की भांग घेर दी 21 ब्रह्मांड में, और इसने ही पी कर तुम टीटी बने फिरो हाज। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुए बांग पड़ी। जैसे कोई शराब पिए पड़ा था दोपहर से जून के महीने में, हरियाणा राजस्थान का स्थान, और धूप में पड़ा और पसीना पसीना जागा रे हैं, और सारा रेत में बुरा हाल हो रहा, और उसको कोई उठाता है कि उठ भाई तू यहाँ दुखी हो रहा है और गर्मी बहुत सता रही है, चल तुझे वृक्ष के नीचे बैठाता हूँ। वो कहते ना जोड़ दे मौज आ रही है हट एक तरफ। तो आज हम इस स्थिति में, इस काल के लोक में, यहाँ पर किसी को सुख नाम की चीज नहीं, चाहे अड़ प्रधानमंत्री बन रहा है, एक पल की भी चैन नहीं है, चाहे सारी पृथ्वी का राजा है। यदि किसी को सुख भी है तो इस परमात्मा की भक्ति सत भक्ति से यहाँ भी सुख है, और फिर परम सुख स्थान को प्राप्ति होगी। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु, इस काल के लोक में इतना कष्ट उठा रहे होंगे, इससे मौज मान रहे हो तुम। गरीब दासिये वक्त जाते है रोगे इस पैरे नु। ये मनुष्य जीवन एक बार आते छूट गया ना आपके, कहते कुत्ते की तरह रोया करो ऊपर न मुंह करके। गरीब दास ये वक्त जाता है रोग इस पैरे नू, ये मनुष्य जीवन ऐसे बर्बाद हो गया और सत भक्ति बढ़िया नहीं, परम संत मिले नहीं, तो रोया करोगे इस समय को याद करके। फिर परमात्मा कहते हैं फिर क्या बनेगा, आछे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे जब चिड़िया चुकी खेत, अब रहते रहते करो और बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरु देव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम कृपा से